सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। हम उनको शुभकामना देते हैं कि मां के लाल ऐसी सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी भर पर अपनी मुस्तैदी से भारत की सीमा पर इकट्ठा हुए हैं। आज 26 जनवरी को उनका मैं शुभकामना दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। गणतंत्र दिवस चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे 26 जनवरी हो, हम आप सब मिलकर देश के शहीदों को जो देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं सुभाष चंद्र बोस वगैरह, कहां तक मैं आपको नाम बताऊं कि उन्होंने पैर के देखना नहीं सोचा, अपने जान की कुर्बानी कर दिया, शहीद हो गए। आज उनका नाम देश में अमर है। साथियों, आपका भारत बहुत महान देश है। भारत जहां आपके गंगा और जमुना, जहां आपके भारत में गंगा और जमुना, आज पूरे देश से हवाई जहाज आ रही है आपके संगम में। आप भारतवासी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। साथियों, हमारे लोग जल्दी मिल आ गए हैं, मैं भी इंतजार कर रहा था इन गुरुवारों को, बहुत अच्छी बात है आप मिल आ गए। साथियों, देखो कितनी बड़ी खुशी होती है पल पल। एक छोटी सी बच्ची, रोहित कुमार मिश्रा जी की छोटी सी बच्ची, सुबह 7 बजे उठकर नहा धो के कपड़ा पहन के टोपी लगाकर एक खुशी के हालत में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हो गई सुबह आकर। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप बहुत समय से ध्वजारोहण किए, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आप सबका बहुत शुक्र प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो शहीद हुए हैं अमर है, जो शहीद हुए हैं देश के लिए अमर है, जो शहीद हुए हैं देश के लिए अमर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चाहूंगा गाना गलत कि वो उपस्थित हुए हैं, सामने खड़े भी है, दो चार शब्द जो है, आज 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस पर दो शब्द संबोधन करें, हम लोगों का उत्साह वर्धन करें। इसलिए माननीय चाचा जी नंद तिवारी जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर, आए और दो शब्द कहें। आदरणीय हमारे गंगाधर जी, रोहित जी, प्रमोद मिश्रा जी और यहाँ इकट्ठे सभी जन समुदाय को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस 74वें गणतंत्र दिवस पर आज इस IVG वाट को में फहराए गए ध्वजा का में जो इतने लोग शामिल रहे हैं, इन सबको मैं हार्दिक दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हमारी ये कंपनी आगे बढ़ती रहे और हम इस पावन पवित्र पर्वों को ध्वजारोहण बनाकर अपनाए मनाते रहे। इसी साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई संस्थान कोई कंपनी ही ध्वजारोहण करे, ये हम सबका नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों को ध्वजारोहण करना चाहिए और न कर सके तो जहां पे ध्वजारोहण हो रहा है वहां पर सम्मिलित होना चाहिए। ये हमारे जन सभा की बात है कि सभी गांव के लोग, सभी गांववासी और हमारे सभी मित्र बिना बुलाए हुए उपस्थित होते हैं, इनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में मैं अपने भाई नरेंद्र गुर्जर भाई को आमंत्रित करूंगा मंच पर आए और दो शब्द कहें। चलिए मान्यवर, आप लेट हुए, सब माफी हो गई, तो सब मिल गया।
भारत माता की जय। वो शहीद सामने के बड़े भाई को मानी जाने का तैयारी शुरू में स्वागत करता हूँ। साथियों आज बैठे दिवस पर आप सब दूर से यहाँ आए हुए हैं, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। और दोस्तों आप सब बैठिए और मिष्ठान का चालू कराइए, सभी लोग पानी पीजिए।